ये कौन सी वाली है, क्या है ये? परौंठा, आलू परौंठा। आलू परौंठा, हाँ। अच्छा, क्या बात है, ये मतलब स्पेशल है आपका? हाँ जी, हाँ जी। ओके, वेरी गुड। तो अभी मैं आया हूँ आज स्पेशली बैठक ढाबा जौहल मार्केट में। आप कह सकते हो बस स्टैंड से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता, 5 मिनट, और अगर मॉडल टाउन से आते हो तब भी 5 मिनट का रास्ता। अब यहाँ पे अगर किसी से भी पूछोगे कि मैंने जाना है बैठक ढाबा पे जौहल मार्केट में, तो बड़े आराम से आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। वैसे मैं इसकी लोकेशन जो है वो भी आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी मैं इनके ना स्पेशली इनकी किचन के अंदर आया हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि किचन के अंदर देखें कि क्या साफ़ सफाई कैसी है और कैसे इनका फूड जो है वो रेडी हो रहा है। तो जस्ट हैव अ लुक, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ के मैनेजर से बात करते हैं कि क्या क्या है इनके पास अवेलेबल, क्या नॉर्मली होता है फूड के अंदर, और स्पेशल क्या है इनका यहाँ, कि कौन सी ऐसी फूड आइटम है जो इनकी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। तो पहले किचन को एक थोड़ा सा लुक दे दें। सर, मेरा नाम जनरल सिंह है, मैं जहाँ पे मैनेजर की जॉब करता हूँ। तो सर आइए, हम आपको डिशेस बताते हैं अभी हमारे स्पेशल डिशेस। सर यहाँ पे हमारे पास ये पालक पनीर हो गया सर। अरे, ये पालक पनीर? हाँ जी सर। ओके। पालक पनीर की nice. पालक पनीर हो जाता है, पालक कोफ्ता हो जाता है सर। ओके। एंड आगे हमारे पास सर राजमा है सर। राजमा, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा टेस्ट है हमारी राजमा का सर। जी सर, नेक्स्ट हो गया हमारे पास दाल फ्राई है सर। ये दाल, हाँ जी सर, दाल फ्राई होगी सर। ओके। ये दाल फ्राई होगी, और आगे नेक्स्ट हमारे पास चना दाल है सर, स्पेशल चना दाल। ये चना दाल भी? हाँ जी सर, ये हमने शुरू किया सर अभी थोड़े दिन से, ये चना दाल है हमारी सर। अच्छा। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर, बहुत अच्छा। चना दाल नॉर्मली में से बहुत कम? हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर फिर हमारे पास येलो दाल है सर, बहुत बढ़िया टेस्ट है हमारी येलो दाल का भी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कढ़ी पकौड़ा सर। अच्छा। जी हमारे पास कढ़ी पकौड़ा है सर। ओके। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, अभी पकौड़े नहीं डाले, जैसे हम सर्व करेंगे वैसे पकौड़े डाल लेते हैं साथ में। हाँ जी सर, वैसे भी लंच टाइम ओवर हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ गया स्पेशल डिशेज हमारी, पनीर बटर मसाला सर, स्पेशल डिश है हमारी। हाँ जी सर, पनीर बटर मसाला, ग्रेवी है? हाँ जी, ग्रेवी है सर। उसके बाद शाही पनीर की ग्रेवी है सर ये हमारे पास। ओके। हाँ जी सर, शाही पनीर। फिर हमारे पास आगे आ गया सर कढ़ाई पनीर। अच्छा, ये कढ़ाई पनीर की ग्रेवी है? हाँ जी सर। ओके, कढ़ाई। फिर हमारे पास सरसों का साग है सर। अच्छा, सरसों का? हाँ जी सर, ये तो सीजन में होता है। हाँ जी सर, सीजन में अभी सरसों का साग, मक्की की रोटी हो गई। स्पेशल है आपका क्या? हाँ जी सर। अरे, ये स्पेशल लगता है? हाँ जी सर। आजकल मतलब अभी कब तक मिल जाएगा, जैसे आपको चल रहा है? हाँ जी सर, अभी तो चलेगा, 1-1.5 महीना चलेगा हमारे पास। हाँ जी सर। उसके बाद दाल मखनी आ गई सर हमारे पास। इसको तो दिया, ये हो गया दाल मखनी। हाँ जी सर, ये हो गया चना मसाला सर। ओके, सो नाइस। हाँ जी सर, ठीक है। और मतलब स्पेशल क्या है यहाँ का, मतलब अगर सर हमारे पास स्पेशल पनीर दो प्याजा है, फिर हमने बताया कढ़ाई पनीर बताया था आपको। ओके। पनीर बटर मसाला है, चीज़ चिल्ली है, और भी बहुत सारी चीज़ें डिशेस हैं हमारे पास स्पेशल में। फिर हमने एक भरवा करेला है हमारे पास, भरवा करेला, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा। बहुत टेस्ट है, हर कोई लाइक करता है हमारे पास। फिर हमारे पास तिरंगा नान है सर एक। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा है। ओके। हाँ जी सर। और थाली, मतलब स्पेशल थाली है हमारे पास सर, बैठक स्पेशल थाली है। ओके। इसमें हम देते हैं दाल फ्राई देते हैं, शाही पनीर की ग्रेवी होती है, शाही पनीर होता है इसमें, और साथ में सिरका प्याज है, बटर नान है, एक लच्छा पराठा है, स्वीट में गुलाब जामुन है, रायता है, और पुलाव है साथ में राइस में। हाँ जी सर। तो चलिए आप ऐसा करिए, फिर एक थाली स्पेशल लगवा दीजिए। हाँ जी सर, करके देखते हैं क्या है। ये सर अचार, मिक्स अचार है हमारे पास। हाँ जी सर, चलिए ठीक है जी, आप थाली एक रेडी करवा दीजिए। हाँ जी सर, टेस्ट करके देखते हैं क्या है आपके। ठीक है सर। हाँ जी सर, तो सिटिंग प्लेस भी अच्छा है अंदर, काफ़ी अच्छा सिटिंग प्लेस है, नीट एंड क्लीन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर भी है इनका एक सिटिंग प्लेस, लगभग इतना ही ऊपर भी सिटिंग प्लेस अवेलेबल है। इनका फूड वैसे मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, होम डिलीवरी भी करवाई है मैंने, जोमेटो और स्विगी दोनों के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन अब काफ़ी टाइम की बात कर रहा हूँ, पहले मेरे को इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी, आई होप कि अब भी इनके वही स्टैंडर्ड्स मेंटेन होंगे। लो जी, आ गई अपनी थाली, और बहुत बढ़िया लग रही है, और काफ़ी सारी आइटम्स हैं इसमें,
ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ चपातीज़ के अलावा, चपातीज़ या जो नान है उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 आइटम है चपातीज़ वगैरह के अलावा, ब्रेड वगैरह के अलावा। इसको वन बाय वन मैं टेस्ट करता हूँ और जो कंप्लीट फीडबैक है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दाल से, क्योंकि दाल जो है वो किसी भी ढाबे पे हमेशा बढ़िया ही होती है ज़्यादातर, और बढ़िया होनी भी चाहिए ना। तो दाल से शुरू करते हैं। डिलीशियस, वेरी गुड। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब मैं फीडबैक दे रहा हूँ ना, फूड की नॉर्मल फ्रेशनेस तो मैं चेक करूँगा ही, और फ्रेशनेस होनी भी चाहिए ज़्यादातर, हर जगह पे फ्रेश ही मिलेगा फूड आपको। टेस्ट बढ़िया होना चाहिए, तो मैं हर चीज़ का इंडिविजुअली नहीं मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर मेरे को कुछ डिफरेंट लगा तो वो मैं ज़रूर बताऊँगा। दाल मेरे को सच में, दाल की अगर बात करूँ तो सच में मेरे को थोड़ा सा इनका ना डिफरेंट टेस्ट लगा, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। वेरी गुड। अब आते हैं जल्दी जल्दी से, ये है साथ में चीज़, लेट मी ट्राई दिस। ये है जी चीज़, वेरी नाइस, गुड है। ये है साथ में इनकी मिक्स वेज, इसको भी जल्दी से टेस्ट कर लेता हूँ। ओके टेस्ट है, गुड है, वेरी गुड। ये राइस, ये है फ्राइड राइस है, पुलाव टाइप आप कह सकते हो, चीज़ वगैरह मिक्स है इसमें, और टेस्ट इज़ गुड। और बाकी फाइनली कर्ड तो ऑब्वियसली बड़ी ही होनी चाहिए, इसमें मेरे को नज़र आ रहा है इनमें ये आप कह लो कि काफ़ी कुछ मिक्स किया हुआ है, जैसे खीरा मिक्स किया हुआ है, और साथ में ये रेड रेड क्या है, टमाटो, टमाटो के छोटे छोटे पीसेस मिक्स किए हुए हैं, और खीरा और टमाटो है ना, दो दो चीज़ें हैं, और शायद बूंदी का बूंदी भी है शायद में ना। लुकिंग गुड, टेस्टी है जी। सो ऑल टुगेदर फूड इज़ वेरी गुड। इनके फूड के अंदर जो मेरे को सबसे खास चीज़ लगती है ना, वो ये है कि इनका जो फूड है वो नॉर्मल मसाला आप कह लो कि बहुत ज़्यादा कुछ स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ अगर आप कहोगे स्पेशली तो वो आपकी डिमांड के ऊपर है, अगर आप कहोगे तो वो कर देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप सिंपली फूड ऑर्डर करो तो हर सब्जी वगैरह जो है वो बिल्कुल नॉर्मल मसालास वगैरह, बिल्कुल आप कह सकते हो जैसे कि इस टाइप का फूड है कि अगर आप डेली भी खाना चाहो तो आप खा सकते हो। फूड इज़ फिनिश्ड, बियर फ्री नाउ, फूड गुड था। वैसे तो हर टाइप का यहाँ पे फूड अवेलेबल है, थाली के अलावा आप वैसे भी करना चाहो तो फूड आप ऑर्डर कर सकते हो। ये जो थाली है इसका प्राइस था 170, ये यहाँ की जो स्पेशल थाली है। इसके अलावा थाली में भी ऑप्शन है, आप दो तीन टाइप की अलग अलग जो है थाली वो ऑर्डर कर सकते हो। जो रियल फीडबैक आपसे वो शेयर कर रहा हूँ कि फूड इज़ गुड, अगर मुझे दोबारा यहाँ पे आना हो तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं जी नई वीडियो में किसी नए फूड प्लेस के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।